अब किसी भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स से हम डायरेक्ट ग्राफ कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। सबसे पहले हमारे जो मैट्रिक्स होगी, जैसे हमारे सिमिलर मैट्रिक्स में हो रहा हो, सीधा टर्म होगी P11 यहाँ पर होगा, P12 यहाँ पर होगा, P13 होगा, P21 होगा, P22 होगा, P23 होगा, P31 होगा, P32 होगा, P33 होगा। ठीक, तो इसे 1 by 1 हमारा, क्योंकि यहाँ पे रोल कोलम में 1 2 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट हम ले लेंगे, उससे हम डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम बनाने का तरीका क्या है, ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या हमारी P11 है, यानी कि 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी हमारी मैट्रिक्स में 1 by 2 है, 1 से 1 यानी कि इसे हम कहते हैं सेल्फ लूप, खुद से खुद पे जा रहा है, तो ये 1 by 2 हमारी रिप्रेजेंट हो गई। अब हमारा 1 से 2 जाने की, ये P12 ही तो है हमारा, 1 से 2 जाने की हमारी 1 by 2 है, तो 1 से 2 जाने की हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 by 2। इस तरीके से हम तीजी लगाते जाएंगे। अब P13, 1 से 3 जाने की हमारी प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी कि कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 1 से 3 हम नहीं जाएंगे फिर। अब बात करते हैं P21, 2 से 1 जाने की हमारी 1 by 3 है, 2 से 1 जाने की हमारी 1 by 3, ये हो गया हमारे 2 से 1 की तरफ गए हम। P2 से 2 की तरफ जाने की हमारी 1 by 3 है, यानी कि सेल्फ लूप बनेगा यहाँ पर, 2 से 2 ही जा रहा है, तो 1 by 3 हो गया, ये हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दी। P23 की अभी हमारी 1 by 3 है, ये 2 3 तो है हमारा, इसकी 1 by 3 है, 2 से 3 जाने की हमारी क्या हो गई यहाँ से 1 by 3, ये हम 2 से 3 चले गए। ठीक, अब यहाँ से 3 से 1 जाने की 0 है, यानी कि 3 से 1 भी नहीं आएंगे, ना हम 1 से 3 गए हैं। ठीक, 3 से 2 जाने की क्या है, ये 3 2 है, 1 by 2, तो हम 3 से 2 गए, ये हमारी हो गई 1 by 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जगेंगे। P33 यानी कि खुद से खुद जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 by 2, तो सेल्फ लूप बन जाएगा 1 by 2। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ग्राफ लोड करते हैं, एक से ज़्यादा आ जाएगा तो बस हमें एक चीज़ याद रखनी है, ये आपस में क्रॉस कट ना कर लो, ऐसा ना हो हम इसके ऊपर से निकाल दें। इस तरीके से हम एडजस्ट करने हैं एलिमेंट, यदि 3 से ज़्यादा होते हैं जो आपस में कट ना करें, और ग्राफ लोड कर लेना है।